ادع إلى سبيل ربك بالحكمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا خوف عليهم هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم الله محترم बुज़ुर्गों और दोस्तों मजहब इस्लाम को जो शर्फ़ हासिल है उसकी एक ख़ूसियत ये भी है कि इसकी फ़ैज़ याफ़्त जमात में हज़ारा हज़ार अफराद अपनी कुत ई ईमानिया और दावत ईमान में ऐसे मज़बूत साबित हुए कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती जिन्होंने हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीत को ज़िंदा और रोशन करने के लिए सरकार अलैहि वसल्लम की नयाबत का पूरा पूरा हक़ अदा कर दिया इस नखलस्तान मुहम्मदी के बागबान अल्लाह कहलाते हैं इस जमात अल्लाह में फ़र्क मरातब पर कुछ अब्दाल कुछ कुतुब और कुछ गौश के नाम से पुकारे जाते हैं इन्हीं अहल्ला की मुबारक जमात में एक बड़ा ही मरूफ़ नाम नामी इसमें गिरामी, कुतुब इमाम शेख उतलिबीन शेख उल इस्लाम, महबूब सुबहानी इस कुतुब रब्बानी हजरत सैदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी अल हुसैनी रमतल आलही का है आपकी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत से कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जो नावाफ़ हो आपकी अज़ीमलमरतबत शख्सियत से करोड़ों मुसलमान वालहाना अक़दत व महबत रखते हैं आपकी ज़ात गिरामी को आसमान विलायत में शम से नसफु नहार की तरह फख्र इज्जत हासिल है आप अहल बैत में कामिल वली और बड़ी बुजुर्गी के मालिक हैं दावत दीन की वजिमुशान खिदमत आपने अंजाम दी है जिससे मुसलमान का बच्चा बच्चा वाकिफ है आपके हालात ज़िंदगी के तस्करे दिलों में ईमानी कैफ़ियत को गरमाते हैं सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी से मुतारफ़ हो जाने वाला सच्चा आशिक रसूल बन जाता है उसकी ज़िंदगी में इतबा सुन्नत का जज्बा पैदा हो जाता है आप यानी महबूब महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैदना शेख अब्दुल्कर जीलानी रमतल रूहानियत की बहुत ही आला मकाम और मरतबत पर फाइज थे आपके आला अखलाक और अवसाफ़ के तस्करे रूहानियत को जिला बख्शने वाले हैं रब्बानी ने आपके बेशुमार किताबें उर्दू फ़ारसी और ज़ान में तहरीर फरमाई हैं आलम इस्लाम के मशहूर मुफ़िर और दाई हज़रत माना सैद अबूल हसन अलीवी राही महुल्ल ने भी अपनी मशहूर किताब मशहूर तसनीफ़ तारीख़ दावत वजीमत के हिस्से अव्वल में आपका तस्करा नहायत खूबी के साथ इंतहाई नुमाया तरीक़े से फरमाया है हज़रत पीरा पीर ने पीर को रबारक व ताली ने कलब की वो तोज्जो और ज़ुबान की वो तासीता फ़रमाई थी जिससे लाखों इंसानों के दिलों को हयात मिली आपका वजूद मसरूद इस्लाम के लिए एक बहार है जिसे तारीख़ इस्लामी कभी फरामोश नहीं कर सकेगी आपकी तवजहत ने लाखों दिलों में जान डाली और आलम इस्लाम में ईमान और रूहानियत की एक नई लहर पैदा कर दी आज के नशिस्त में हम उस खासान खुदा का जिक्र ख़ैर करने की शादत हासिल करेंगे क्योंकि खासान खुदा का जिक्र सन्नतुल्ला है और अल्लाह की रहमत के नाजिल होने का ज़रिया है नीज़ बुज़ुर्गों का तस्करा करने से उनके साथ लाही मोहब्बत पैदा होती है जो बड़े सवाब और फजीलत की चीज़ है नीज मोहब्बत का असर ये होता है कि महब को महबूब का हमरंग वो बना देती है महबूब महबूब रब्बानी कुतुब सुबहानी सैदना शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह रहमत आ विलादत शरीफा गीलान में यकुम मुबारक यानी एक रमज़ानमबारक चार सौ सत्तर हिजरी में हुई आपका नसब आपके वालिद सैयद अबू सालेह मूसा रहीम महुल्ला से होते हुए दस वास्तों से नवास रसूल शहजाद रसूल सैदना हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह तु से जाकर मिल जाता है आपकी वालद माजिदा बीबी उमुलैैर का सिलसिल नसब हज़रत इमाम हुसैन ऱी अल्ला से जाकर मिलता है बस आप नस्बता हसनी व हसैनी सादात हैं आप मरतब विलायत में कुतुबालम और गौ से ज़माना थे आपको तरबियत क़लूब व असलाह खल की खिदमत गोया सुपुरद की गई थी आपको शान तस्लिम व तफ़ी अदा की गई थी आपको रूहानियत कीदसिया में यद तूला हासिल था आपकी मजलिसों में सुलह इंसानों के अलावा जन्ात और व मलाइा की भी शिरकत होती आप नहीं फुलबदन मियाना कद के थे रंग आपका गंदमी सीना कुशादा था रीश मुबारक बहुत गुंजान थी चेहरे पर हैबत हक़ की नूरी शुआँ जगमग जगमग किया करती थीं इब्तान तो आप अख्तिलास से बहुत दूर गुमनामी के मुश्ताक थे मगर कुतबियत कुबरा का ताज आपके सर पर रखा गया था आपके ज़रिए भटके हुओं को राह हक नसीब होनी थी मदहोशों को होश मिलना था सोए हुए लोग ख्वाब गफलत से जागने थे बिगड़े हुए क़लूब सवरने थे बीमारा ने कल्ब का इलाज होना था मुबतलाए मसीत मुर्दा दिलों को तात हक़ की जिला नसीब होनी थी दुनियादारों को दीनदारी का जायका आपके ज़रिए हासिल होना था हिरसो हवा नफसो शैतान के कैदियों को उनके खूनख्वार पंजों से आपके ज़रिए आज़ादी हासिल होनी थी इसलिए आप अपने आप को मखलूक और इंसानियत के दरमियान आपने अपने आप को रखा अठारह साल की उम्र में बगदाद शरीफ आप तशरीफ़ लाए यही वो साल था जिस साल इमाम गजाली रम् ने बगदाद को खैरबाद कहा था एक तरफ़ बगदाद एक जलीलुल कदर बुज़ुर्ग से महरूम हुआ तो उसी वक्त दूसरा जदील़र मुसलह दाइल्ला बगदाद को मैसर हो गया आप बगदाद शरीफ में पूरी बुलंद हौसलगी के साथ तहसील इल्म में मशगूल रहे हर इल्म को उसके बाकमाल कमाल इस और साहिब साहिब फ़न अलमा से हासिल किया आपके इस में नामवरमाइम फ़न के इसमें गिरामी नज़र आते हैं आप ज़ाहरी और बातनी तकमील के बाद असलाह इशात की तरफ मुतव हुए आपने बैक वक्त दरस व तदरीस और वास का सिलसिला शुरू फ़रमाया बहुत ही जल्द आपकी मजलिस में इस कदर हजूम होने लगा कि लोगों को तल धरने की जगह न मिलती गोया सारा ही बगदाद आपकी मजलिस में उमड़ पड़ता अल्लाह तबारक व ताली ने बहुत ही जल्द आपको ऐसी वजाहत वजाहत वबूलीत अता फ़रमाई कि जो बड़ों बड़ों को नसीब नहीं हुई इबन कदाम रहा फरमाते हैं मैंने आपसे ज़्यादा किसी की तज़ीम होते हुए नहीं देखा यहाँ तक कि बादशाह और वज़रा आपके मजलिस में न्याज मंदाना हाजिर होने लगे इन तमाम के बावजूद आप आपत मुतवाज़े और मुनकसरमिजाज थे कोई छोटा भी आपसे बात करता तो आप खड़े होकर उसकी बात को बगौर सुनते आप गरीबों और फ़रा से बड़ी मोहब्बत फरमाते उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का बड़ा अहतमाम फरमाते इसके बरखिलाफ़ कभी किसी अरकान सल्तनत की तज़ीम में आप खड़े न हुए आपके हमजमाना मुसरिन आपके हसन अखलाक, आपकी इनकसारी आपकी सखावत इसार और दूसरे अवसाफ़ की तारीफ़ किए बगैर न रह पाए आप मुस्तवदावा थे आपकी दुआएँ रब्बुल इज़्ज़त में कबूल होती नहायत रक़ीकलब थे बहुत जल्द आपकी आंखें अशकबार हो जातीं, आप हमेशा ज़िक्र फिक्र में मशगूल रहते कभी किसी साइल को खाली हाथ आप वापस न फरमाते भूखों को खाना खिलाते ज़रूरतमंदों पर तो बेदरेग खर्च करना आपका ख़ास वसफ़ था आपका वसी दस्तरखान हमेशा मेहमानों से आबाद होता आप मेहमानों के साथ खाना तनाबुल फरमाते ताल्लक़ का बड़ा पास वह फरमाते गलतियों और कोताही से दरगुजर फरमाते आपकी करामत की कसरत पर मार्ख़ीन का इत्तेफाक है आपकी कराम क़दर को पहुंची हुई है आपकी सबसे बड़ी करामत मुर्दा दिलों को अल्लाह की महब्बत और मारिफत से ज़िंदा करना है आपकी कलब की तवज्जो और ज़ुबान की तासीर से लाखों इंसानों को नई ईमानी ज़िंदगी अता हुई लाखों लोगों ने आपके दस्तकद पर तोबा की एक बड़े मजमे ने आपके दस्तकदस पर हक़ को कबूल किया मौरखीन के मुताबिक बगदाद की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हजरत के दस्तकद पर तोबा से मुशर्रफ हुआ अकायद और उसूल के बाब में आप हज़रत इमाम अहमद इबन हम्बल रमतल के मसलक पर थे मजहब अहल सुनत और सल्फ़ के मसलक को आपसे बड़ी तकवीत हासिल हुई आप इस के पहाड़ थे इतबा कामिल इल्म रासिख और तायद गैबी ने आपको उस मकाम अजीम पर पहुँचा दिया था कि आप हक बातिल में पूरा इम्तियाज़ फरमाते आप पर यह हकीकत पूरी तरह मुनकशिफ हो गई थी कि शरीत मतहरा के अकाम हलाल और हराम में क़्यामत तक के लिए कोई तगैर और तब्दीली कामकान नहीं जो इसके ख़िलाफ़ दावा करे वो शैतान है आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे सामने एक बड़ी अजीमशान रोशनी ज़ाहिर हुई जिस रोशनी से गोया आसमान के किनारे भी भर गए हों फिर उसमें से एक सूरज ज़ाहिर हुई फिर उसने मुझसे खिताब करते हुए कहा कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ और मैंने तुम्हारे लिए सारे महरमात हलाल कर दिए आप फरमाते हैं मैंने फ़ौरन कहा अमरदूद दूर हो जा ये कहते ही वो रोशनी मत से बदल गई और वो सूरत धुआं बन गई फिर उससे एक आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया वरना तो मैंने इस तरह कईयों को गुमराह किया है आपने जवाब इरशाद फरमाया कि लगी ये तो मेरे रब की मेरी मेहरबानी मेरे रब की मुझ पर महरबानी थी जिसने मुझे बचाया और मेरी हिफाजत की किसी ने हजरत से दरिया फरमाया हजरत आप कैसे समझे कि ये शैतान है फरमाया उसके इस कहने पर कि मैंने हराम चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया आपने बगदाद शरीफ़ में तिहत्तर साल गुजारे शेख का यह हद बहुत ही अहम तारीख़ी वाक़ात से मामूर है आपके मवाइज दिलों पर बिजली का असर करते थे और सच अर्ज करूँ तो वो तासीर आज भी आपके कलाम में मौजूद है आपके वॉइस के अलफा आज भी दिलों को गरमाते हैं एक तवील मद्दत गुजर जाने के बाद भी आपके कलाम में ज़िंदगी और ताजगी पूरी तरह महसूस होती है खसूस तोहैद से मुतल आपके मलफुजात बक़सरत मौजूद हैं अगर मौका हुआ तो इनशा आइंदा नशित में सिर्फ़ आपके अकवाल आपके मलफुजात, आपकी खिदमत मर्ज करूँगा आपका बाज़ हिदायत का समंदर हुआ करता था जिस वक्त जोश में आता था सामीन बेताब हो जाते और बसा अवकात मजलिस बाद से कई कई जनाजे उठाए जाते थे आप चार मशहूर तसवफ़ के सिलसिलों में से एक सिलसिले आलिया सिलसिले कादरिया के नामबर इमाम और बानी हैं बल्कि इस फ़न की तदवीन और तरतीब का सहरा आप ही के सर पर है आपसे पहले ये निदाम इतना मदवन और मुरत्तब मुकम्मल व मस्वित नहीं था न उसमें इतनी अमूमियत और वसात थी जितनी आपकी और आज़मत की वजह से इस सिलसिले में पैदा हुई हजरत शेख का वजूद इस ज़माने में इस्लाम का एक जिंदा मुजजा था और एक बड़ी तायद इलाही थी आपके उम्र मुबारक की इब्तदाई तेईस साल दरस व तदरीस और फतवा देने में गुजरे और आपके उम्र शरीफ के आखिर चालीस साल मख़लूक के खुदा की रश्द हदायत और नसीहत में सरफ हुए खैर मजमून को समेटे व्यारधे के एक तवील मदत तक आलम को दिए हुए कमालातहरी और बातिनी से मुस्तफीद करने के बाद और आलम इस्लाम में रूहानियत और रुजुला का आलमगीर पैदा फरमा कर ग्यारह रबीसानी ग्यारह रबी उल आखिर सन पाँच सौ इकसठ हिजरी में नवे साल की उम्र में आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया आपके साहिबजादे शहजाद हज़रत पीरान पी रतल हज़रत शरफुद्दीन आइनी रहामतल्ला आपका हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उस अख़ीर वक्त में अपने वालद माजिद से किया कि आप मुझे कुछ वसीयत वसीयत फरमा दें जिस पर मैं मजबूती से अमल करूँ आपने इर्शाद फरमाया बेटा हमेशा खुदा से डरते रहो और खुदा के अलावा किसी से न डरो अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद न लगाओ सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखो सब कुछ अल्लाह ही से मांगो तोहद पर मजबूती से कायम रहो फिर अख़ीर में रिशात फरमाया कि बेटा इस वक्त तुम्हारे अलावा फ़रिश्ते भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए जगह खाली कर दो फिर फ़रमाया सलाक व वबरक तुम पर सलाम हो खुदा की रहमत और उसकी बरकतें फिर अर्शात फरमाए अल्लाह मेरी और तुम्हारी मगफ़रत फ़रमा दे फिर आपकी ज़ुबान मुबारक पर कलीम अल्लाह महमद्ला जारी हो गया फिर आपने तीन दफ़ा अल्लाह 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 अल्ला फरमाया और उसके बाद आपकी आवाज़ ख़ामोश हो गई इन्ना लिल्लाही वा इन्नाजौन आप अपने पीछे दीन के बड़े बड़े दाइयों और नफूस को छोड़ गए जिन्होंने आपके मिशन को आपके काम को जारी रखा हमें भी ज़रूरत है कि रबी आखिर के इस महीने में हम ये अहद और पैमान करें कि हम आपकी तालीमत पर अमल करेंगे आपकी नसीहतों को दिलोजान से लगाएँगे आपके मिशन को आगे बढ़ाएंगे और आपके दामन से अपने आप को लगाए रखेंगे इसलिए कि इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी है अल्लाह तबारक इन नफूस कुदसिया की राह पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक इन गुजारिशात को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन व आखिर हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन